अगला सैम हिंदी कक्षा में मैं सुनीति मिश्रा आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 7 की वसंत का पहला पाठ, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, जो कि एक कविता है जिसके रचनाकार हैं श्री शिव मंगल सिंह सुमन। बहुत ही सुंदर कविता है ये। आप बच्चों ये सब तो जानते ही हो ना कि पराधीन सपने हूँ सुख नाही, यानी जो पराधीनता है वो सपने में भी सुख कर नहीं होती। मतलब कि अगर आपको किसी और के अधीन रहना पड़ता है, कैद में रहना पड़ता है, चाहे आपको सब चीजें सारी वस्तुएं भरपूर मात्रा में मिले, चाहे आपका पिंजरा सोने का ही क्यों ना हो, पर आपको चैन नहीं पड़ती। और बच्चों जो आजकल का समय चल रहा है लॉकडाउन का, इससे ज्यादा आप पराधीनता का अर्थ क्या समझेंगे? समझ रहे हो ना आप कि आपको सब प्रकार की छूट है, सब कुछ अच्छा खाना मिल रहा है, अच्छे वस्त्र मिल रहे हैं, लेकिन क्या नहीं मिल रहा था? और अभी भी आप पूरी तरीके से, तो लॉकडाउन ओपन होने के बाद भी मम्मी आपको बाहर नहीं जाने देती, विद्यालय नहीं खुले हुए, तो हम सारे कैसे परतंत्र से होके रह गए। ऐसा लगता है जैसे हम लोग कैद होके रह गए हैं। तो कैद में रहना कितना कठिन काम है, चाहे हमें कितना भी भोजन वस्त्र की सुविधा मिले, लेकिन कैद में रहने से ज्यादा बड़ा दुख और कोई नहीं है। तो इसी तथ्य को समझाने के लिए ये जो हमारी कविता है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, उन्मुक्त क्या होता है? खुले, गगन माने आसमान, तो पंछी कौन है? पक्षी के, हम तो खुले आसमान के पक्षी हैं और हम क्या चाहते हैं? उड़ना चाहते हैं उसमें। तो शिव मंगल सिंह सुमन की ये कविता है जिसमें पक्षी बोल रहा है और आपको ये बताएगा कि मुझे आप क्या चाहिए, कि मुझे पंख मिले, बस मुझे उड़ने दीजिए, मुझे कैद मत करो। तो बार बार वो अपनी बात को अपने तरीके से आपके सामने रखेगा। तो मैं एक एक पंक्ति अभी आपको पढ़ाती जाती हूँ। रचनाकार शिव मंगल सिंह सुमन, कविता का नाम हम पंछी उन्मुक्त गगन के। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजर बद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। अब ये क्या कह रहे हैं शिव मंगल सिंह सुमन? इसमें पक्षियों के माध्यम से ये बताया गया है कि गुलामी की अपेक्षा आजादी का क्या महत्व है। तो पक्षी कहता है कि हम तो खुले आकाश में स्वच्छंद विचरण करने वाले पक्षी हैं, पिंजर बद्ध न गा पाएंगे। यानी मेरी स्वाभाविक विशेषता क्या है कि मैं उड़ना चाहता हूँ। यदि तुमने मुझे पिंजरे में बंद कर दिया तो पिंजरे में बंद होकर मैं कभी भी जो स्वाभाविक तौर पर मीठे मीठे गान गाता हूँ वो गीत मैं नहीं गा पाऊंगा। यानी जो मैं प्रसन्नता पूर्वक डाली डाली उछल उछल कर गीत गाता हूँ वो मैं नहीं गा पाऊंगा। कब? जब आप मुझे पिंजरबद्ध होकर, यानी पिंजरे में बंद होकर मैं प्रसन्न नहीं रह पाऊंगा। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। कनक क्या है? सोने, सोने की, जो तुमने मुझे पिंजरे में कैद किया है, भले ही उसकी सलाखें सोने से निर्मित हैं। सोना जानते हैं, सोना एक बहुत महंगी धातु है, गहने बनते हैं जिसके, है ना, आपकी मामी मम्मी नानी के पास होंगे, जो आप सब जानते हैं कि सोना कितनी मूल्यवान धातु है। तो कह रहा, चाहे तुम पिंजरे में सोने की सलाखें क्यों ना लगा दो, आपके सोने की सलाखों से टकराकर जो पिंजरा बना हुआ है, मेरे पुलकित पंख टूट जाएंगे। जो मैं खुशी से फड़कना चाहता हूँ, वो बेचारे जो खुशी से फड़कने में मेरे पंख हिलाऊंगा, तो उनसे, तीलियों से टकराकर, उस पिंजरे की तीली से टकराकर मेरे पंख तो टूट जाएंगे। यहां तक समझ में आ गया? इसके बाद हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निपोरी कनक कटोरी की मैदा से। यहां वो कह रहा है कि हम बहता जल पीने वाले, कह रहा है देखो हमें तो नदियों से और झरनों से तालाबों से अपने आप उड़ उड़कर पानी ढूंढ ढूंढ कर पीने की आदत है। तो कह रहा है हम तो उसमें अपने आप पानी ढूंढ कर पीने में बड़ा प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। तो हम बहता जल, बहता जल कहां से होता है? झरनों में से बहता है, नदियों में से बहता है, तालाब में से बहता है, उस जल को पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। कह रहा हम तो भूखे प्यासे मरना अधिक पसंद करेंगे। क्या पसंद करूंगा मैं? कि बहता जल पीने वाला मैं पक्षी हूं, मैं भूखे प्यासे मरना ज्यादा पसंद करूंगा, अधिक पसंद करूंगा।
कैसे तुम्हारा पिंजरे में अगर तुम मुझे कटोरी में रखकर पानी दो या मुझे खुद पानी को ढूंढ के पीना पड़े तो मैं ये ज्यादा पसंद करूंगा, मुझे पिंजरा में बंद करो, मैं तो ढूंढ ढांड कर पानी को खोज कर पानी को पी लूंगा। कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से, कह रहा है कहीं कटुक निबोरी क्या होती है, कटुक मने कड़वी, निबोरी मने नीम का फल, कभी आप ने चखाओ तो नीम का फल इतना कड़वा होता है कि वो खाया ही नहीं जा सकता। तो पक्षी क्या कह रहा है कि तुम्हारी, और जो मैदा होती है वो पक्षी को बहुत पसंद होती है, तो वो कह रहा है कहीं भली है कटुक निबोरी, कड़वी कड़वा नीम का फल भी कहीं अधिक अच्छा है जो मुझे स्वतंत्र रहकर मिलता है तुम्हारी उस मैदा से जो तुम मुझे सोने की कटोरी में जो मैदा देते हो, उस सोने के पिंजरे में मुझे बंद करके जो मैदा दे रहे हो मुझे वो नहीं चाहिए। मैं कड़वी निबोरी खा के भी यदि मैं स्वतंत्र रहता हूं, आजाद रहता हूं, तो मेरे लिए वो अधिक प्रसन्नता का विषय है। कहने का मतलब यह है पक्षी को क्या चाहिए, पक्षी को ना तुम्हारी सोने की कटोरी की मैदा चाहिए, पक्षी को ना तुम्हारा कटोरी में रखा हुआ पानी चाहिए, और पक्षी को क्या चाहिए, पक्षी को चाहिए कि वो उसे बस आजाद कर दो, उसको अपनी स्वतंत्रता इतनी प्यारी है कि वो उड़कर जल को खोजकर पीना पसंद करेगा, स्वतंत्र रहकर वो कड़वी निबोरी खाना भी पसंद करेगा, लेकिन आपकी मैदा खाना पसंद नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आप उसको वो मैदा कब देते हो, जब आपसे पिंजरे में कैद रखते हो। तो ये कह रहा है मुझे पिंजरे की कैद से मुक्ति दे दो बस, और मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। यानी पक्षी को अपनी आजादी हर कीमत पर बहुत पसंद है। अगला करें पद्यांश। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले, ऐसे थे अरमान की उड़ते नील गगन की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुभते तारक अनार के दाने। अब ये क्या कवि कह रहा है, स्वर्ण श्रृंखला की बंधन में, ये बता रहा है कि किस प्रकार से जब हम आप पिंजरे में कैद कर ले तो परतंत्रता का जीवन कितना कष्टमय होता है, परतंत्रता के जीवन में कितना कष्ट होता है, ये आपको इस वाले पद्यांश में पक्षी कह रहा है। कह रहा स्वर्ण श्रृंखला सोने के पिंजरे में कैद होकर वे कौन पक्षी अपनी गति और उड़ान सब कुछ भूल गए हैं। गति क्या है, चाल, तेजी से चलना, उड़ान मतलब उड़ने की कला जो पक्षी उड़ते हैं। तो कह रहा मैं तो सब कुछ भूलता चला जा रहा हूं, कैसे, क्योंकि तुमने मुझे सोने के बंधनों में कैद करके रखा हुआ है, सोने के पिंजरे में तुमने मुझे कैद कर लिया। बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले, तो कह रहे जो सपने, कह रहा ऐसा लगता है कि बस मुझे तुमने इतने समय से कैद करके रखा हुआ है, ऐसा प्रतीत होता है मानो मैं को लिए केवल सपना रह गया है कि मैं किसी वृक्ष के सबसे, फुनगी होती है बेटा सबसे ऊपरी सिरा, तो पेड़ का सबसे ऊपर ऊपरी सिरा यानी टॉप पर, तो कह रहा अब मैंने केवल सपनों की बात रह गई है कि मैं किसका कैसे किसी पेड़ के फुनगी पर यानी सबसे ऊपरी सिरे पर बैठकर कैसे झूला झूला करता था, जिसमें मुझे अपने मित्रों के साथ अपने परिवार के साथ बहुत आनंद आया करता था। तो इसके लिए स्वतंत्रता सपनों की बात रह गई है। ऐसे थे अरमान की उड़ते नील गगन की सीमा पाने, कह रहा और मेरे अरमान क्या क्या थे, अरमान मने इच्छाएं जो मन में दबी रह गई, उसकी इच्छाएं वो क्या क्या थी, ख्वाहिश क्या थी इसकी कि उड़ते नील गगन की सीमा पाने, कह रहा नीला जो नीला नीला आकाश है मैं उसकी सीमा पाना चाहता था, मतलब मैं उड़ना चाहता था, उड़ता जाता मैं वहां तक पहुंचना चाहता था नीले आकाश में जहां पे आकाश समाप्त हो जाता है, यानी उसको अपने पंखों की उड़ान इतनी पसंद है, कह रहा मैं तब तक उड़ना चाहता था जब तक कि उस आसमान की सीमा, सीमा क्या है आखिरी छोर, कह रहा जब तक मैं उसको ना पालू मैं उड़ता जाऊं। और लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने, और कह रहा है और क्या करता मैं जब मैं आकाश की सीमा को पाता, तो लाल किरण, लाल किरणों जैसी चोंच को खोलकर क्या चुगता, जब आसमान में पहुंची, आसमान में क्या होता है तारे होते हैं, तो कह रहा है तारों को चुगता, और उसने तारे का उदाहरण किससे दिया, अनार के दानों जैसे बिखरे हुए तारों को मैं चुगता। ठीक है, अब क्योंकि इसने लाल चोंच, लाल चोंच का मतलब क्या, किसकी लाल चोंच होती है बच्चों आप बताओ, तोते की, तो ज्यादातर लोग इसमें तोते की बात की गई है क्योंकि तोते को बहुत अधिक लोग
पालते हैं और पिंजरे में रखते हैं, हम ये नहीं समझते कि उनके लिए कितना कष्टकारी ये जीवन हो गया है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने, कि जो ये उनका अरमान था कि किरणों जैसी अपनी लाल चोंच से वे तारों जैसे अनार के दानों को चुगे, परंतु गुलामी के जीवन ने उनके सारे सपने छिन्न भिन्न कर दिए, तोड़ डाले, उनकी खुशियों का गला घोट दिया और वे पिंजरे में सिर्फ बंदी बनकर रह गए हैं। इतनी बात समझ में आ गई आपको? और ये प्रश्न में भी आपसे पूछेगा कि लाल चोंच के लिए आप क्या सोचते हो कि ये कौन सा पक्षी हो सकता है, तो आपको वहां पर भी उत्तर देना होगा। और आप जानते भी हैं सीबीएसई में अधिकतर क्या किया जा रहा है कि पद्यांश दिया जा रहा है और पद्यांश में से प्रश्नोत्तर पूछे जा रहे हैं, तो अगर आपको पद्यांश बच्चों स्पष्ट नहीं है तो आप उत्तर नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए किसी भी चैप्टर की एक्सप्लेनेशन को बहुत ध्यानपूर्वक सुने। तीसरा पद्यांश करें, होती सीमा हीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। अब ये कह रहा है कि पक्षी बता रहा है कि अगर वो आजाद होता तो क्या करता, उड़ते 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 आकाश की सीमा को पाने के लिए चल पड़ता। अब अपने इस प्रयास में या तो क्षितिज मिलन बन जाता, पंखों की होड़ा होड़ी क्या है कि हम आपस में क्या करते, जो पक्षी हैं वो आपस में प्रतियोगिता करते कि देखना कौन आगे निकलता है, इन पंखों की होड़ा होड़ी आपस में प्रतियोगिता करते, और दूसरा वो आकाश से प्रतियोगिता कर रहा है। कैसे प्रतियोगिता कर रहा है ये देखिए, कि या तो क्षितिज मिलन बन जाता, कि जो क्षितिज है बच्चों वो है ये काल्पनिक स्थान जहां धरती और आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं। क्षितिज का शब्दार्थ में बार बार पेपर में क्वेश्चन आता है, तो कृपया करके इसका शब्द का अर्थ आप अच्छे से समझ लीजिएगा, वह काल्पनिक स्थान जहां धरती और आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं, ये क्षितिज का प्रॉपर एक अर्थ है। तो ये कह रहा है या तो हम क्षितिज के पास पहुंचकर अपना दम लेते या हम अपने प्राण त्याग देते। होती सीमा हीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ा होड़ी, प्रतियोगिता होती, या तो क्षितिज मिलन बन जाता, क्षितिज जहां पे हम देखते कि धरती और आकाश मिल रहे हैं, या तो हम वहां तक पहुंच जाते, उस सिरे तक पहुंच जाते, या तनती सांसों की डोरी। तनती सांसों की डोरी का मतलब क्या है कि हम मृत्यु को प्राप्त हो जाते। ठीक है, नीड न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। कह रहा अच्छा चलो, अगर तुम नीड़ नहीं देते, नीड़ मने घोंसला, कह रहा तुम मुझे अपने घर में घोंसला नहीं बनाने देते, हम करते ना ऐसे, घोंसला बनाएगा हमारा तो घर गंदा हो जाएगा, तो हम उसे घोंसला नहीं बनाने देते। तो कह रहा अगर तुम मुझे घोंसला नहीं बनाने देते अपने घर में, मत बनाने दो, चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो। तो वह कह रहा है और अगर हम कहीं पेड़ की डालियों में भी कहीं घोंसला बना हुआ है, तुम उसे भी तोड़ देना चाहते हो, भाई वो भी तोड़ डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो, कह रहा है लेकिन ईश्वर ने मुझे जो पंख दिए हैं, आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। तो कह रहा है तो मुझे इतना बेचैनी से, जो मैं उड़ने के लिए बेचैन हूं, विघ्न मने विघ्न मने मतलब क्या है, रुकावट। कह रहा है मैंने को जो ईश्वर ने पंख दिए हैं, मेरी आकुल, मेरी बेचैन उड़ान जो है, उसमें तुम किसी भी प्रकार का व्यवधान पैदा मत करो, मुझे ईश्वर के लिए मुझे कैद मत करो, मुझे अपने पिंजरों में कैद मत करो, मेरे को ईश्वर ने पंख दिए हैं, मुझे उड़ने दो, मुझे उस क्षितिज से होड़ा होड़ी करने कर लेने दो, मुझे सोने की कटोरी में मैदा नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा पानी नहीं चाहिए, तुमने मेरा घोंसला तोड़ना है मेरा घोंसला भी तोड़ दो, लेकिन मुझे आजाद रहने दो। तो ये कविता जो है शिव मंगल सिंह सुमन की, बहुत ही सुंदर कविता है। आप देखें केवल पक्षी के लिए नहीं, किसी भी आदमी की मूलभूत आवश्यकता क्या होती है कि आप उसको बंधनों से आजाद करें। ठीक है ना, तो इस कविता का एक बार मैं आपको जो इसका पूरा संदेश है मैं उसको जरूर आपको बताना चाहूंगी कि पक्षियों के माध्यम से कवि ने क्या किया है, स्वतंत्रता के महत्व को दर्शाया है। और हम तो जानते हैं स्वतंत्रता सबको बहुत प्यारी है, स्वतंत्र रहकर ही हम सब अपने सपने और अरमान पूरे कर सकते हैं। पराधीनता क्या होती है, दूसरे के अधीन रहना, पर जमा अधीन। तो
पराधीन मतलब दूसरे के अधीन रहकर हमारे सारे अरमान धरे के धरे रह जाते हैं। इसलिए अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए भी अगर हम दूसरों पर निर्भर करते हैं तो भी हमारा दम घुटने लगता है। तो इस कविता को पढ़कर ये पता लगता है कि पक्षी भी यही भावना रखते हैं, गुलामी का जीवन उनके लिए बड़ा कष्टकर होता है और हमें क्या करना चाहिए, हमें पिंजरे में उन्हें बंद नहीं करना चाहिए। यदि कोई हमें कारागार में बंद कर देता है तो जिस प्रकार का कष्ट हमें होता है, या जैसे लॉकडाउन में आप लोग कितने परेशान हो गए, तो ये चीज ये शायद भगवान हमें सिखा रहा था कि देखो जब आप दूसरों को कैद करते हो तो उसको ऐसी ही छटपटाहट होती है, तो इस छटपटाहट से हमें उनको मुक्ति देनी है। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, पक्षियों को आजाद करके आकाश में उड़ने देना चाहिए और स्वतंत्रता की कीमत पहचाननी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये था आज का हमारा पाठ, हम पंछी उन्मुक्त गगन के। आशा करती हूँ आपको ये पाठ बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपका कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो। अगला पाठ हम करेंगे दादी माँ, बहुत प्यारा चैप्टर है वो भी। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, नमस्कार।